हाँ गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का जो कि चैप्टर है संविधान, शवहा संविधान की विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत। संविधान सभा संविधान की विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत, ये चैप्टर का नाम है। आप चैप्टर को पहले पढ़ें अच्छी तरह से, उसके बाद आप इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन करने से पहले सच्चाई रूप से अच्छी तरह से सबसे पहले आप इस टॉपिक को रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद ही आप क्वेश्चन लगाएं। इसमें 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो टेस्ट है ईडू टेरा और डे फर्स्ट पॉलिटी का जो चैप्टर है संविधान सभा संविधान की विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत, पहले आप थ्योरी पढ़ें उसके बाद ही आपको क्वेश्चन लगाना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप इसको चेक कैसे करें। पेन और पेपर लेकर बैठना है और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको खुद व खुद आंसर लगाना है। 20 में से आपको 17 प्लस नंबर आ रहा है, तो समझिए आप बेहतर तैयारी की तरफ हैं। 17 या 15 से कम आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको ऑप्शन 5 दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्षता में और अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें भी आपको 5 ऑप्शन मिले हैं, ऑप्शन देखकर टिक लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक इसमें आंसर होगा। ओके, एक से अधिक इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 5, उसमें से आपको चूज करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ओके, 5 नंबर में था। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो आप ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। 1 में क्या कह रहा है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? आपको ऑप्शन से टिक लगाना है। 9 नंबर का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है आपको। मिलान कीजिए, आपको 5 सेकेंड मिलता है। चलिए, आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, मतलब कि 1 का हो जाएगा संचालन समिति का हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी नंबर संघ शक्ति समिति का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति का हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव, आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आपको इसमें 10 सेकेंड मिलता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए ज़्यादा समय दे रहे हैं।
चलिए 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, बी हो जाएगा, मतलब कि मौलिक अधिकार का आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली का हो जाएगा आंसर आपका संयुक्त गणराज्य यूके। आपात उपबंधन का आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। ओके, और अगला जो है क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, किससे लिया गया है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में आपको ऑप्शन देखकर बताना है। न्यायिक पूर्ण विलोकन की प्रणाली आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, आपका ऑप्शन ये रहा, आपका आंसर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। और अगला क्वेश्चन है आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, यह सब गलत है। तो आइए आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि 4 नंबर में हमें ई नंबर हम आपको बताए हैं, तो उसमें हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आंसर हो जाएगा, और 12 नंबर का ई बताए हैं तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 आंसर हो जाएगा 12 में, और 19 नंबर में हो जाएगा आपका 3 नंबर ई आंसर है, तो इसका इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस पाठ में बस इतना ही, और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें। ये पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट डे समझिए, और अगले वीडियो में मिलेगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।